दोस्तों आज हम इस वीडियो के जरिए टेलीफोन के आविष्कार का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, जिसके आविष्कार के बाद दुनिया में संचार का एक नया अध्याय लिखा गया। शायद आप जानते ही होंगे कि टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आपको बता दें कि 19वीं सदी की शुरुआत में ही कई वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने ध्वनि संचार पर काम करना शुरू कर दिया था, पर असल सफलता 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड में जन्मे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को मिली थी। आपको बता दें कि किसी भी आविष्कार में किसी एक व्यक्ति का योगदान बताना शायद गलत होगा। टेलीफोन के आविष्कार का इतिहास भी बहुत ही लंबा और पेचीदा रहा है। टेलीफोन के आविष्कार के इतिहास में जिन इंजीनियर्स का योगदान माना जाता है वो हैं एंटोनियो म्यूसी, एलिशा ग्रे और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हालांकि इन तीनों में से टेलीफोन का पहला आविष्कार किसने किया था ये आज भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल को टेलीफोन का पेटेंट मिल गया था, इसलिए उन्हें ही टेलीफोन का असल आविष्कारक माना जाता है। इन तीनों से पहले भी कई खोजकर्ता और इंजीनियर्स ने ध्वनि संचार पर काम करना शुरू किया था। सन 1667 में रॉबर्ट हुक ने स्ट्रिंग टेलीफोन का निर्माण किया, जिसमें साउंड वेव स्ट्रिंग के मैकेनिकल वाइब्रेशन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं। बच्चे आज भी टिन के दो डिब्बों को वायर से जोड़कर एक दूसरे से टेलीफोन खेलते हैं। रॉबर्ट हुक का टेलीफोन भी इसी सिद्धांत पर आधारित था। सन 1816 में फ्रांसिस रोनाल्ड ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज करके दुनिया का पहला वर्किंग टेलीग्राफ बनाया था, जिससे कि लंबी दूरी तक संदेश भेजा जा सकता था। पर इसकी समस्या ये थी कि इससे मैसेज को कोडेड फॉर्म में ही भेजा जा सकता था, वो भी एक बार में सिर्फ एक। 1861 में जर्मनी के एक इंजीनियर जोहन फ्लिप राइज ने ध्वनि के संचारण के लिए पहला वर्किंग डिवाइस बनाया और उसे टेलीफोन नाम दे दिया। उन्होंने फ्रांस के चार्ल्स बर्सुल की थ्योरी पर काम करते हुए टेलीफोन का निर्माण किया था। चार्ल्स का मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से साउंड और स्पीच को ट्रांसफर किया जा सकता है, पर जॉन के इस टेलीफोन में कई कमियां थीं। इसमें सिर्फ एक ही तरह से संदेश को भेजा जा सकता था और इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उनके आविष्कार को कोई खास पहचान नहीं मिल सकी। सन 1808 में जन्मे इटली के खोजकर्ता एंटोनियो मुची ने भी 1871 में एक टेलीफोन बनाया, जिसे उन्होंने साउंड टेलीग्राफ का नाम दिया। उन्होंने उसका पेटेंट कराना चाहा, पर उनके इस आविष्कार को दुनिया के लिए फायदेमंद नहीं समझा गया और उनके पेटेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को ध्वनि विज्ञान में शुरुआत से ही रुचि थी, क्योंकि उनकी माँ और बीवी दोनों ही बहरी थी और इसीलिए उन्हें ध्वनि पर काम करना हमेशा ही प्रेरित करता था। ग्राहम बेल ने 1871 में टेलीफोन पर काम करना शुरू किया था। उन्होंने इस कार्य के लिए एक सहायक भी रखा था, जिसका नाम था थॉमस वॉटसन। इसने ग्राहम बेल के टेलीफोन के आविष्कार में काफी मदद की। ग्राहम बेल ने हार्मोनिक टेलीग्राफ पर काम करना शुरू किया था, जो कि एक प्रकार का डिवाइस था जिससे एक साथ मल्टीपल मैसेज ट्रांसमिट होता था। उन्होंने इस पर काफी सुधार किया और फिर उन्होंने एक साधारण सा रिसीवर बनाया जो इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में बदल देता था। 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल ने एक पेटेंट फाइल किया और अपने आविष्कार के बारे में दुनिया को बताया। इसके बाद उनके पेटेंट को अप्रूवल मिल गया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को आधिकारिक तौर पर टेलीफोन का आविष्कारक माना गया। लेकिन ग्राहम बेल के पेटेंट फाइल करने के सिर्फ 2 घंटे बाद ही अमेरिका के एलिशा ग्रे भी पेटेंट फाइल करने के लिए पहुंच गए, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। एलिशा ग्रे ने ग्राहम बेल पर उनकी तकनीक चुराने का इल्जाम भी लगाया। एक समय पर पेटेंट कार्यालय ने ग्राहम बेल के पेटेंट को रिजेक्ट करना चाहा, पर ग्राहम बेल की कंपनी AT&T ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इन दोनों का ये मसला कई सालों तक कोर्ट में चलता रहा और आखिर में कोर्ट ने ग्राहम बेल के हक में फैसला सुनाया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने किसी एक दोस्त को शेयर भी कर दें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।